गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्लास थ्री हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, है ना। तो आज हम लोग लेसन सिक्स का रिवीजन करेंगे और शीर्षक क्या है, बोल अनमोल। इस पाठ में हमने क्या पढ़ा था कि हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यदि हम किसी से मांगते हैं तो हमारे मांगने का तरीका कैसा होता है, है ना। और हम ये हमारी बोली पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से उससे बोलते हैं और मदद मांगते हैं। तो इस पाठ में शशांक है जो एक दुकानदार है और वो दुकान का सामान लेने के लिए हमेशा शहर जाया करता है। और एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और वो दुकान का सामान लेने के लिए घर से शहर जाने को निकला। और जब वो शहर गया और दुकान का सारा सामान खरीद चुका, तब वो वापस लौट रहा था, तब क्या हो गई थी, रात हो गई थी, है ना। ठंड भी बहुत पड़ रही थी और जिसके कारण से शशांक घबरा गया था और उसे रात बिताने के लिए जगह ढूंढना पड़ रहा था। और वो जगह ढूंढने के लिए जब वो इधर उधर नजर दौड़ाता है तब उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है जहां से रोशनी आ रही होती है। वह उस झोपड़ी की ओर बढ़ जाता है और तब वो जब झोपड़ी के पास पहुंचता है तो क्या देखता है, झोपड़ी के बाहर अलाव जल रहा है और एक बूढ़ा व्यक्ति आग ताप रहा है। तो शशांक अपने शरीर को गर्मी देने के लिए वो आग के पास बैठना चाहता है और वो अपने प्रभाव रोप जताने के लिए उस वृद्ध बूढ़े व्यक्ति से बोलता है कि मैं इस इलाके का इकलौता दुकानदार हूँ और मुझे आग तापने के लिए अलाव के पास बैठने दें। तब उसका बोलने का तरीका ठीक नहीं रहता है ना, और जिसके कारण से बूढ़ा उसकी बात को अनसुनी कर देता है, वो कुछ जवाब नहीं देता है। तब शशांक क्या करता है, वो सोचता है कि बूढ़े ने तो कुछ जवाब नहीं दिया, इसलिए वो वहां से अपने घर जाने के लिए आगे बढ़ जाता है। और लेकिन इतनी ठंड थी कि उसे सहा नहीं जा रहा था, तब उसे याद आता है कि शायद मैंने कुछ गलत बोला है जिसके कारण से मुझे वहां पर जगह नहीं मिला। और वो लौट कर आता है और फिर प्रार्थना भरे स्वर में उस बूढ़े से बोलता है कि मैं ठंड से कांप रहा हूँ, इसलिए मुझे अलाव के पास बैठने दें ताकि मैं ठंड से अपने आप को बचा सकूं। और तब बूढ़ा उसकी बातों में आ जाता है, बूढ़े को उसकी बात अच्छी लगती है और वह उसे बैठने के लिए देता है और बैठने के साथ साथ उसे चाय भी पिलाता है। और इस तरह से शशांक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो क्षमा मांगते हुए वृद्ध से बोलता है कि बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने घमंड से आपसे ठीक से बात नहीं की थी, लेकिन शायद इसलिए आपने मेरी सहायता करने से मना कर दिया था। और तब बूढ़ा व्यक्ति उसको सलाह देता है, नसीहत देता है कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना कि वे सुनने वाले पर कैसा असर करेंगे और इस पर भी विचार जरूर करना। तो इस तरह से हमारी बोलचाल एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करती है उसको इस पाठ में बतलाया गया है। हम लोगों ने इस पाठ को पहले भी पढ़ चुका था और आज फिर से मैंने इसका दोहराव किया है और आज हम लोग उसी के आधार पर खाली स्थान को भरना सीखेंगे। खाली स्थान में उचित शब्द भरें। पहला,
शशांक खाली स्थान करता था। तो शशांक क्या करता था? दुकान में दुकान खोला था, है ना, और दुकान में वो सामान बेचता था, यानी कि वो क्या करता था? दुकानदारी करता था। तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम लोग, कौन सा शब्द भरेंगे? दुकानदारी। दूसरा है, शशांक को सामान खरीदने खाली स्थान जाना पड़ता था। तो शशांक अपनी दुकान का सामान वो कहाँ से खरीदता था? गांव से? नहीं, वो कहाँ जाता था खरीदने के लिए? शहर जाता था। तो वहां पर हमको क्या भरना होगा? शहर। शशांक को सामान खरीदने शहर जाना पड़ता था। ग, वृद्ध व्यक्ति खाली स्थान ताप रहा था। वृद्ध व्यक्ति क्या कर रहा था? घर के बाहर बैठकर आग ताप रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा? आग, है ना, वृद्ध व्यक्ति आग ताप रहा था। घ, शशांक के बोल उस वृद्ध को खाली स्थान गए। तो शशांक जब उसे इजाजत मांगा आग के पास बैठने के लिए, तो वृद्ध को कैसा लगा? तो यहाँ पर जब दूसरी बार जब वो लौट कर आता है शशांक, और उससे प्रार्थना भरे शब्दों में जब वो बात करता है, उसे बोलता है, आज्ञा मांगता है, तब उस समय वृद्ध को शशांक की बोली कैसी लगती है? अच्छी लगती है। तो यहाँ पर क्या होगा? शशांक के बोल उस वृद्ध को भा गए, यानी भाना, यानी अच्छा लगना। शशांक के बोल उस वृद्ध को भा गए। अंगा, एक दिन डैश की ठंड पड़ रही थी। एक दिन कैसी ठंड पड़ रही थी? कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, है ना। तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम लोग? कड़ाके। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तो आप इसे लिख लिख कर याद करेंगे, और खाली स्थान में क्या क्या शब्द भरना है उसको याद करेंगे।